अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। नहीं है तुम्हें खुद पे भरोसा? खुद पर भरोसा है पर मुझे राहिल से डर लगता है। मैं अक्सर तुमसे बातें करते हुए या हम सबके साथ मजाक करते हुए तुम्हारी ऑडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया करता था। अब वो मेरे साथ जाएगी। नहीं, मैं अपनी बहनों के बिना कहीं नहीं रह सकती। और वो तुम्हारी सबसे बड़ी बहन है जिस पर तुम ये कहानी लिखना चाहती हो। मगर तुमने अब तक घर मेरे नाम नहीं किया। जो कुछ जितना कुछ तुम्हारे नाम कर चुका सब तुम्हारा है। फिक्र मत करो, वापस नहीं लूंगा तुमसे। मैं सोच रही हूं इसी हफ्ते इद्दत में बैठ जाऊं। इसी हफ्ते? हाँ। उफ, क्या पर्सनैलिटी है। पता है उनमें जरा भी घमंड नहीं है कि वो इतनी बड़ी नॉवलिस्ट है। अच्छा भाई रूही, अब बस भी करो ना। जब से आई हूं उन्हीं की बातें, उन्हीं के किस्से। अरे मानू रापी, पता है मैंने उनसे वहां आपकी बात भी की। मेरी बात? हाँ, मैंने अपनी कहानी में ना कश्माला का किरदार लिखा है जो किसी की मोहब्बत में ना खोई रहती है पर लोग समझते हैं उस पर किसी आसेब का साया है। और कश्माला जब उस लड़के से अकेले में बातें करती है तो वो इतनी खो सी जाती है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसकी बातें, उसकी बड़बड़ाहट और खुद कलामी का अंदाज ही कुछ और है। बल्कि वो इस तरह से बातें करती है कि उसके सामने बाकायदा तौर पर कोई बैठा हो। क्या मैं अकेले में यूं बातें करती हूँ? सच में तुमने मुझे ऐसा करते देखा है? बकवास करती है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रूही, तुम्हें कहां से वो किरदार मानू रापी का लगता है? हाँ मधिया, रूही पर गुस्सा मत करो। तुम्हारी कहानी का किरदार बहुत खूबसूरत है, तुम इस पर मेहनत करो। और मुझे खुशी है कि चलो कोई तो है जो इस घर के घुटे हुए माहौल से फरार चाहता है। रूही, वैसे तुमने अपने उस मैडम को बताया कि ये किरदार तुम्हारी बहन का है? नहीं, पर वो समझ गई। समझ गई मतलब? अरे भाई, तुम लोगों को शुरू से सब कुछ बताना पड़ेगा। पाकीज़ा, तुम ये छोटी बहन को बड़ी बहन के लिए प्यार जानती हूं मैं कि तुम मेरे इल्म को नहीं मानती। मैं तुम्हारे क्या किसी भी आमिर। ये बताओ कि घर में कोई आया था? नहीं। हाँ, कल राहिल आया था। क्यों? उसकी तबीयत ठीक थी? खुद ही पूछ लो, नंबर मिलाओ। रोज, मैं किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें उसे मिलकर कैसा लगा? वो ठीक था? कैसा महसूस कर रहा था वो?
हाँ तबीयत तो ठीक ही थी, अलवीरा के जिक्र पे थोड़ा सा अपसेट हो गया था। सब खैरियत तो है? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ आया था। जो जो तुम राहिल को यहाँ बुला सकती हो? हाँ मैं अभी फोन करती हूँ। और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय भी बनवा दो। चलो मैं चाय का बोलती हूँ, बैठो। तो मम्मी आप वक्त क्यों जाया कर रही हैं? बेटा मैं वक्त जाया नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। और आपकी नजर में शायद सही वक्त उसकी रुखसती का है? तो आजकल के लड़के लड़कियों में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। मैं आज ही जाती हूँ। और तुम्हें देर नहीं हो रही? हाँ देर तो हो गई है। यू नो मम्मी, शायद पापा ठीक कहते थे। आपके साथ रहते हुए मैं सारी जिंदगी दुनिया भर की नेमतों से महरूम रहूंगा। बेटा मैं कोशिश कर तो रही हूँ, प्लीज मेरे यकीन करो। आप कोशिश नहीं कर रही, सिर्फ इंतजार कर रही हैं उसके जाने का। भाभी ये आप क्या कर रही हैं? आप इस वक्त नाखून काट रही हैं? अभी अम्मा को पता चल गया तो अच्छी वाली क्लास हो जानी है आपकी। ये सारी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ उसका क्या हुआ, बात आगे बढ़ी? कुछ करो ना मरियम। कौन सी बात? वो आदिल मानू वाली? हाँ भाभी मुझे नहीं लगता कोई बात आगे बढ़ी है, ना ही अम्मा तैयार है और ना ही ये दोनों भाई, और हमारे अकेले चाहने से क्या होगा? अम्मी मैं बात करूं? चुप करो तुम, यूं छुप छुप के बड़ों की बातें नहीं सुनते। और जो बड़े हमारे बारे में छुप कर बातें करते हैं वो? अम्मी आपको पता है हमारी टीचर ने हमें सिखाया था कि जिंदगी में कोई भी बात अगर छुप कर की जाए ना तो वो आगे जाके बहुत नुकसान देती है, और अगर खुल के की जाए तो डांट भी पड़ सकती है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, पढ़ने दे डांट, लेकिन एटलीस्ट हम सोच तो सकते हैं ना इस बारे में। और आप दोनों मुझे खुद बताएं, आप लोग इस फैसले पे मुतमईन हैं? हाँ मरियम, वैसे मधिया ठीक कह रही है, हमें चाहिए कि हम सबको जमा करते हैं और खुलकर इस टॉपिक पे बात करते हैं। बिल्कुल, और मैं आप लोगों का साथ जरूर दूंगी ताईजान। वैसे हम आदिल और मानूर के रिश्ते की बात कर रहे हैं, खुल के कर सकोगी बात? हाँ ये मेरे और मानूर आपी के मुस्तकबिल का सवाल है, मैं उनके हक के लिए जरूर आवाज उठाऊंगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बात करने की, हम खुद कर लेंगे। चलो जाओ अंदर। जाओ अंदर। अम्मी देखिए, अगर मानूर का रिश्ता ना मिलने पर आपका दिल दुखा है तो मैं ये रिश्ता कबूल करता हूं। अम्मी हाँ लाइन मुझे दे दे, मैं कर देती हूँ, और आप आराम से सोचें। बहुत ही बदतमीज हो, कभी माँ की परेशानी में उसका साथ मत देना, बाप की तरह तंज करना बस। माँ का वाहिद दुख ये है कि फलां दुखी क्यों नहीं है। शुमाइल मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। चलिए अच्छा मुझे बताएं, मिलकर सोचते हैं, वो कहते हैं ना एक से भले दो। मुझे तो ये फिक्र सता रही है कि नाम ने जिस तरह बढ़ चढ़ के बातें की थी, अभी तक अम्मा को और रुकैया को आ जाना चाहिए था। तो आप चली जाएं, रोका किसने?
अच्छा मैं झुक जाऊं, मैं अपनी नाक कटवा लूं। तो अम्मी जहां इतनी सारी बातें अपने दिल में रखी हैं बदला लेने के लिए, वहां एक और रख लें। मगर ये सोचें अगर नाक बचाने के चक्कर में माहनूर का रिश्ता हो गया तो। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने एक दिन सोच के एक पलड़े पे अब्बू को रखा और दूसरे पे तुम्हें। उसके बाद मुझे अपने आप पे ही अफसोस हुआ था। तैयारी हो गई? हाँ तकरीबन। तुम तो 2 महीने बाद जा रहे थे ना, फिर इतनी जल्दी? जितना वक्त यहाँ गुजारता उतना ही यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। बेहतर है कि हौसला करूँ और यहाँ से वापस चला जाऊँ। तुम्हें नहीं लगता तुमने ठीक से कोशिश नहीं की? तुम ठीक कहती हो, मैंने अच्छे से कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि कोई भी मेरे साथ नहीं, तुम भी नहीं, इसलिए मैं अकेला पड़ गया था। कोई लड़की ऐसे सिचुएशन में कैसे किसी का साथ दे सकती है, खुद सोचो। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उस लड़की के लिए भी उसके हिस्से की खुशियां मांग रहा था। अगर उसे अपने हिस्से की खुशियां चाहिए तो साथ देना था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हो सका तो जरूर, पर कैसे? हाँ कैसे माफ कर सकूंगा मैं तुम्हें? तुम्हारे नाम की बेड़ियों में तमाम उम्र जकड़े रहने की सजा मिल रही है मुझे, और तुम्हें ही माफ कर दूं? ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। मेरा सुकून लुटा सकती हो मुझे? बताओ लुटा सकती हो? अपनी टूटी टांग लेकर आया था मैं और टूटा हुआ दिल लेके जा रहा हूं, इसका तो इलाज भी नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं, किस मजार जाऊं, कहां पे दिया जलाऊं? बोलो। कोई जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हें क्या लगता है तुम ही टूटा हुआ दिल लेके जा रहे हो? सिर्फ तुम ही दुखी रहोगे? और ये खुश रहेगी यहाँ पर? तो मैं क्या करूं मानूर, तुम ही बताओ। यहाँ खड़े खड़े रहकर सवाल करने से या तंज करने से कुछ नहीं होना। अगर सच्चे हो ना तो जाओ, जाकर अपना हक मांगो। मानूर आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और तुमसे भी इतना ही कहूंगी। तुम्हारे पास भी सिर्फ 2 ही दिन है, फैसला कर लो। मिल लाओ जरा ये रोग, ये किस्सा खत्म कर दे। कभी कभी किसी पर यकीन कर लेना चाहिए। I'm sorry. तुम पे मुसीबतों के साए मंडला रहे, तुम्हारी जान को खतरा है। अच्छा कितने दिन बचे हैं मेरे पास? राहिल मजाक बंद करो, पाकीज़ा वाकई परेशान है तुम्हारे लिए। अगर ऐसी हरकतें करके इसको ये लगता है कि अपने लिए टेंशन पैदा कर लेगी, ऐसा हो नहीं सकता। मैं चलती हूँ। पाकीज़ा लंच तो साथ करके जाना।
बैठो। ठीक है तो मैं चलता हूं, मुझे एक जरूरी काम याद आ रहा है, बाद में आऊंगा। राहिल के रवैये के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ कि घर में गोश्त रखा हुआ है? हाँ रखा हुआ होगा, क्यों? उसके छोटे छोटे टुकड़े करके झील कवों को खिला दो। ये अच्छा भी करती हूँ। मेरी बात मानो और जाओ, जल्दी से जाके सदका करो, देर मत करो। जी मैडम। चले ठीक है, करता हूँ मैं कुछ। क्या कह रहा था? अब यार कह रहा था कि पैसे छीनो और गोली मार दो। पुलिस से भी ये गलती मत करना, हर बात पे जवाब देना पड़ जाएगा। तो तू भी कैसी बातें कर रहा है, दिन में 70 लोग मरते हैं, किसी की सुनवाई होती है? कोई जानबूझ नहीं होती, वैसे भी हमें इसके अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, समझा कर। पैसे ना दिए तो? कैसी बातें कर रहा है, क्यों नहीं देगा पैसे? तेरे रोज काम पड़ता है, हमसे बिगाड़ेगा थोड़ी। गाड़ी अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी ने शीशे पे गोली क्यों चलाई। इसलिए कि वो शीशा टूट सके। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, वो जो भी था आया, उसने शीशे पे गोली चलाई ताकि वो टूट जाए और फिर वो वापस चला गया। तो तुम्हें क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया होगा? यही तो समझ नहीं आ रहा। जरा थोड़ा सा जहन पर जोर दो अपने। कहीं वो किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया था कहीं राहिल को? हाँ अब तुम ठीक समझे, मगर इस तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो ध्यान दिलाओ, राहिल को बताओ कि कहीं ये गोली उसके लिए तो नहीं थी। मगर क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि मैं चाहता हूँ और इसीलिए मैंने वो गोली चलवाई। क्या गोली तुमने चलवाई? मगर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2-3 हमलों के बाद अचानक किसी हमले में उसकी जान चली गई, तो हम ये कह सकेंगे कि उस पर ये हमले अरसे से हो रहे हैं। पागल मत बनो, उन दोनों में से किसी की भी जान गई ना तो पहला शक हम दोनों पर जाना है। इसीलिए तो ये सब कर रहा हूं कि हम पर शक ना जाए। शुक्र है खुदा का राहिल के तुम महफूज हो, मैं सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट दर्ज करवा दी है मैंने। किसके खिलाफ? जाहिर है नामालूम अफराद के खिलाफ। मगर मुझे लगता है तुम उस शख्स को बहुत अच्छे से जानते हो जिसने ये सब करवाया। क्या मैं जानता हूं, ये कैसे कह सकती हो तुम? इसलिए मुझे इस वाकये कनेक्शन उस वाकये से लग रहा है, और वो जो भी है तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। तुम इस वाकये का कनेक्शन उस वाकये से जोड़ रही हो, और मैं अब तक ये सोच रहा था कि अब आगे मजीद क्या होने वाला है। तुम्हारा कहने का मकसद है कि तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे साथ फिर कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल। मगर कैसे? तुमने शायद सही कहा था,
मैं हमलावर को जानता हूं। मदिया, मैंने कहा था ना मेरी बात मान लो, वरना वरना इसी तरह रातों में सिसक सिसक कर रोती रहोगी। मानो रापी, मैं वो सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मदिया प्लीज, रापी प्लीज, अपना ये लेक्चर बंद कर दे। आप भी तो इस सिचुएशन से गुजरी है, किसको जाके आपने अपना दुख सुनाया? रातों को रोती थी, खुद से बातें करती थी, अपना हक मांगा आपने।